बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर सीरीज़ के फेज़ टू में अब हम जो टॉपिक या चैप्टर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 है हमारा बेसिस मैथ्स में। और इससे पहले हमने जो पिछला चैप्टर था वो इंटरेस्ट एंड एनविटीज से रिलेटेड था, जिसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटीज़ को डिस्कस किया और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस किया। उनके सवालात हमने जो है वो सॉल्व किए और उसका कॉन्सेप्ट लिया। अब हमारे पास जो अगला चैप्टर हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 है। और चैप्टर नंबर 4 के अंदर बेसिकली जो फंक्शंस और ग्राफ वगैरह से रिलेटेड है, इम्तिहान के अंदर ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो फंक्शंस रिलेटेड या जो ये फार्मूले मैंने इस वक्त बोर्ड पर लिखे हैं इनसे मुतालिक ज़्यादा सवालात आते हैं, और ग्राफ्स रिलेटेड भी आते हैं लेकिन ज़रा उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है। हम अब अपने इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कोशिश करेंगे ज़रा फार्मूले जो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली इस्तेमाल होंगे उनको थोड़ा सा एक नज़र गो थ्रू कर लें, ताकि कोई जो कन्फ्यूजन है वो हमारी क्लियर हो जाए थोड़ी बहुत। इस चैप्टर के अंदर तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक 8 के करीब फार्मूले हैं जो कि इस्तेमाल होंगे, और वो मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यानी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, आप अब तक जो इसके अंदर नज़र आ रहा है जैसे x1, y1, x2, y2, इसकी मैं अभी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करूँगा कि इसका क्या मतलब है और ये कैसे मेजर करेंगे इसको हम। तो ये फार्मूला है, बस में वैल्यूज़ पुटअप करके हमने इसका आंसर निकालना है, और जो भी अगर वो अंडर रूट में आया तो उसको फिर रूट से बाहर निकाले जाएगा, जो कि रूट से बाहर निकालने का तरीका। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो लाजमन वो राउंड फिगर बाहर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर उसको हम जो दूसरा तरीक़ाकार है हमारे पास होल नंबर का, उस तरीक़ेकार से निकालेंगे। अच्छा, देन उसके बाद है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप जो है हमारा स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं सारी की सारी ना, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। अब स्ट्रेट लाइन इस अंदाज में भी हो सकती है, इस अंदाज की भी हो सकती है, कुछ ऐसी भी हो जाएगी, कुछ यूं भी हो जाएगी। मतलब स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर कहीं भी जो है वो मतलब राउंड कुछ मौजूद नहीं है। तो उसमें जो है वो हम स्लोप को m से डिनोट करते हैं, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। m का मतलब होता है स्लोप, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यहाँ पर तो फार्मूला थी तो फिगर निकल कर आ जाएगा, कोई इक्वेशन की सूरत नहीं आएगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जो इक्वेशन आती है एक्स वाई और कांस्टेंट की फॉर्म में, तो इसमें देखिए आप वाई मौजूद है, यहाँ पर देखिए एक्स मौजूद है, तो इसका मतलब ये वैल्यूज x1, y1, x2, y2 की वैल्यू जब कैलकुलेट हो जाएंगी और वो जब मर्ज होंगी इनके साथ तो कुछ इस किस्म की फिगर आपके पास आ सकती है कि 4y या यूँ कह लें कि 3x प्लस 4y और इज इक्वल टू 9। कुछ इस अंदाज से आपके पास ये एक इक्वेशन बन के आएगी, क्योंकि एक्स और वाई के कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और जो यहाँ नज़र आ रहे हैं, और ये कॉन्स्टेंट डेफिनेटली मौजूद है। अगर इस 9 को आप इधर ले आएँ और इक्वल टू 0 पुट कर दें तो डेफिनेटली वो भी सही है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। मगर इन पर्टिकुलर जो फार्मूले हैं, जैसे कि ये वाला नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और आगे जो सवाल मौजूद है नंबर 6 भी, इनफैक्ट इसके अंदर वैल्यूज इक्वेशन की सूरत में आएंगी। देखें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब दो पॉइंट्स आपके पास गिवन हो, टू पॉइंट्स आर गिवन, तो उस सूरत में कुछ इस किस्म की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि जब स्लोप और पॉइंट गिवन है, यहां तो स्लोप निकालने का तरीकेकार आपको बताया गया, और अगर स्लोप निकालने का तरीकेकार आपके पास मौजूद है और अगर मौजूद नहीं है तो आप इस फॉर्मूले के जरिए या और भी फार्मूले जिनके जरिए मालूम कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि सवाल के अंदर स्लोप गिवन कर दिया जाता है, तो उस सूरत में फिर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो देखें, यहां पर भी y और x मौजूद है, तो इसका मतलब इस फार्मूले के जरिए भी जो इक्वेशन फॉर्म होकर आएगी वो कुछ इस अंदाज की। अच्छा, एक बात बेटा दिमाग में रखें, यहां पर वेरिएबल की पावर देखिए 1 है, इसका मतलब जो पावर 1 होती है उसे स्ट्रेट लाइन या जो मतलब इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर पावर 2 होती तो फिर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होती, ये पावर 1 की वजह से हम इसको कह रहे हैं बार बार इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। अब यहाँ पर भी देखें, वाई इंटरसेप्ट दरअसल सी रिप्रेजेंट करता है, इसको हम कहते हैं ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है, और स्लोप देखें यहाँ पर मौजूद है एम।
अब एक तो फार्मूला ये है और एक फार्मूला स्लोप निकालने का ये है। इंशाल्लाह जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इस बात की थोड़ी और क्लैरिफिकेशन होगी कि हम स्लोप किस अंदाज से किस तरीकेकार से निकालें। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास जब इंटरसेप्ट गिवेन है तो आपको एक्स और वाई यानी एक्स और वाई इंटरसेप्ट दरअसल यहाँ पर गिवेन होंगे और उसकी फॉर्म में हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे। देन वर्टेक्स है, वर्टेक्स में हम पहले एक्स की वैल्यू को निकालेंगे देन उसके बाद हम वाई की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू वही ए और बी सी। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन के हवाले से नहीं है, जबकि ये आप जो लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह की इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो देखिए ये स्क्वायर फॉर्म आ गई, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो उस सूरत में हम वर्टेक्स और रूट्स मालूम करते हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, ए बी और सी मालूम करते हैं। ए बी और सी मालूम हो जाएगा तो फिर वो वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करके इनकी जो है वो हम कैलकुलेशन कर लेंगे। एक बात और याद रहे बेटा, ये माइनस साइन इस होल के ऊपर है, माइनस साइन यहाँ होल पर मौजूद है, नहीं इस पूरी वैल्यू के ऊपर, तो ये माइनस साइन इसलिए अलग से करके मेंशन की गई है। रूट्स वही फार्मूला है जो अब तक आप आज से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है वो यही है और इसको रूट्स निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो उन फार्मूलों का, और उन फार्मूलों के ज़रिए जिनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और हमारी कोशिश होगी कि जो बुक के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व किया जाए और बुक के क्वेश्चंस के साथ साथ जो अनसॉल्व पेपर के सवालात हैं उनको भी लाजमन देख लिया जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। और मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो रजिस्टर आप लोगों ने मेंटेन करे हुए हैं अपने बिजनेस मैथ्स के, अब तक जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के सवाल जिसमें आपने करे हैं मुकम्मल तौर पर, उनको प्रॉपर मेंटेन करें। चैप्टर 3 से रिलेटेड जो जो सवाल बाकी हैं बुक के उन्हें सॉल्व करें मुकम्मल, और उसके बाद चैप्टर 4 को स्टार्ट करें, सीक्वेंशियल अंदाज में करें, ताकि जो मतलब तरतीब है वो ख़राब ना हो और आपको एक सीक्वेंस में एक चीज़ मिल जाए, ताकि कल आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं इम्तिहान के लिए तो वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको आसानी हो और आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो सके कि चैप्टर में जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो किस अंदाज में किस तरीक़ेकार से पूछी जा रही हैं। तो ये टोटल फार्मूले हैं, इनको अपने पास कॉपी कर लीजिएगा और इनको कॉपी कर लेने के बाद फिर जब मैं क्वेश्चन पर आऊँगा तो मैं तरतीब से कोशिश करूँगा कि पहले डिस्टेंस को आपको डिस्टेंस फार्मूले के सवालात को करवाऊँ, फिर स्लोप के फार्मूले का इस्तेमाल करवाऊँ, फिर जो है तरतीब के साथ जो हैं। एक बात बेटे याद रखिए कि जैसे आपने पहले भी एनविटीज वाले चैप्टर में भी इस बात को देखा था कि एक सवाल देता है और उस डेटा से वो कई चीज़ें मालूम करवाता है। वो एक सवाल दे देगा तो उस सवाल से के एनविटीज़ का सवाल है, बोलेगा एनविटीज़ के प्रेजेंट और फ्यूचर वाले दोनों कैलकुलेट करें आप, और दोनों के फार्मूला आपको याद होने चाहिए। इसी तरह अगर कोई इंटरेस्ट रिलेटेड सवाल है वो एक डेटा दे देगा, कहेगा कि इससे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों कैलकुलेट करें आप। बिल्कुल इसी तरह ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन दे देता है वो कि जैसे उससे कहेगा डिस्टेंस स्लोप और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू पॉइंट्स वाली निकालें। अच्छा, ये जो x1 y1 x2 y2 है इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, इसका मतलब क्या है। अगर मिसाल के तौर पर कोई लिखा हुआ है 2, 3 और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है 4-1, ठीक है, तो बेटा ये 1 है पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है, जो इसमें ये वैल्यू होती है ये एक्स कहलाती है और ये वाई कहलाती है। इसी तरह यहाँ पर भी वैल्यू एक्स है और ये वैल्यू भी वाई है, तो ये x1 की है तो ये x1 कहलाएगा, ये y1 कहलाएगा, ये x2 कहलाएगा और ये y2 कहलाएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 की मुनासबत से। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं x1 x2 y1 y2, इसका मतलब इस सवाल के अंदर सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ इस किस्म का आपको डेटा गिवन होगा, इस डेटा को यूटिलाइज करके फिर आपने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट करना है और फिर वहां से आंसर को ड्राइव करना है। तो इंशाल्लाह जब सवालात हम करेंगे तो और आपको वाजे हो सकेगी, लेकिन इन तमाम बातों को बेटे दिमाग में रखें और जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो वो आप हमसे यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम।